Hello learners, uh, I am going to start today the topic cost of production. Now let us uh, discuss about the remaining aspects of the cost of production. The concept of AFC, AVC, and ATC. Okay. Now, what do you mean by the term average? ठीक है तो एवरेज इज द कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी सो इट इज लिंक्ड विद द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेट अस मेक यू अवेयर अबाउट द फॉर्मुला फॉर कैलकुलेटिंग दिस नाउ एफ सी इज कैलकुलेटेड एफ सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्वांटिटी क्यू इट मींस दैट कि टीवी टी एफ सी को आप डिवाइड कर दो यूनिट ऑफ आउटपुट से तो आपको ए एफ सी मिल जाएगा इसी तरह से अगर AV से कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे आप तो एवीसी इज इक्वल टू टी वी सी अपॉन सो इस तरह से आप इसको जब TFC को TVC को क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी से प्रोड्यूस uh, कमोडिटी के क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड पर यूनिट टोटल कॉस्ट इट मीन्स दैट कि ए टी सी इज इक्वल टू वॉट दैट इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू ठीक है राधर इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो Q, Q एंड Q, यू विल फाइंड AFC, AVC and ATC. So एंड is quite essential, सो इट इज़ क्वाइट आपके लिए जरूरी है कि शेड्यूल की एक अच्छी समझ अपने अंदर रखनी होगी अगर कॉस्ट की स्टडी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स में कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक जो है इसमें बेनिफिशियल है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पर हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं या अच्छी तरह से इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते ठीक है तो अब आप सीख गए कि एफ सी और ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे या ए टी सी भी कह लें इसको तो, तो कोई बात नहीं अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इकट्ठा हमने इसको प्रेजेंट किया है जिसमें अभी हमने चर्चा किया था ब्रेक के पहले कि टी एफ सीज पैरल टी वी सीज इन्वर्सेज एंड टी सीज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है एवरेज टोटल कॉस्ट विच आई टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट अगेन द शेड्यूल इज देयर जस्ट वी कॉल कि मैंने क्या डिस्कस किया था अभी कि जितने भी तुम्हारे ये कंसेप्ट हैं इनको क्यों से डिवाइड कर दो तुम्हें ये सब सारे पॉइंट्स सारे वैल्यू जो है क्वांटिटी जो है वो मिल जाएंगे ठीक है अब इस पे ज़्यादा टाइम लगा के हम लोग आगे देखें क्योंकि आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड कैसे इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या होगा शेप ग्राफ का और कैसे हमें ये डिसीजन मेकिंग पावर में ये हमें सपोर्ट करेगा ये हमें हेल्प करेगा इसकी चर्चा हम करेंगे अभी so let us discuss about the <coughs> average fixed cost that is AFC is equal to TFC upon units of production graphical presentation of average fixed cost ठीक है now जब तुम 10 रुपीस को different units से divide करोगे तो तुम्हारे पास ये value आएगा ठीक है that start की फर्स्ट यूनिट के लिए हमारा ए कितना होगा टेन रुपीज होगा उसके बाद ये रिड्यूस करता जाएगा फाइव थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट थ्री थ्री टू पॉइंट फाइव इट मीन्स डेट कि लेटेस्ट सी एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू टी एफ सी अपॉन क्यों जस्ट री कॉल द वैल्यू टी एफ सी कितना था हमारे पास टी एफ सी वॉज रुपीज टेन डिवाइड करो वन से क्या आएगा टेन दैट इज शोन ओवर हीयर उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट यूनिट से डिवाइड किया देन एफ सी फॉर सेकेंड यूनिट Second unit that is 10 upon 2, 5. For third unit that is equal to 10 upon 3 equal to 3.33. For fourth unit of output that is 10 upon 4 that is equal to 2.5. For fifth unit

क्या जवाब होगा आपका अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि एफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर लेगा नहीं आप पूछोगे क्यों क्यों नहीं टच करेगा क्योंकि एवरेज ऑफ एनी नंबर्स कैन नॉट बी जीरो सो अ निडल लेक गैप बिटवीन दिस टू लाइंस, यानी कि एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ एफ सो इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस

एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वॉट डज इट मीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑपटेंड अगेन डिवाइडेड टी वी सी को आप अगर क्यू से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा जैसे हमने टी एफ सी ए एफ सी वाले में फॉलो किया था उसी तरह से डाटा हम लोग शेड्यूल से लेंगे और टी वी सी अपॉन क्यू करते चले जाएंगे तो देन वी विल फाइंड दैट कि एट इनिशियल स्टेज ए वी सी इज फॉलिंग आफ्टर दैट इट अटेंस इट मिनिमम and then it increases at increasing rate moving very faster in upward direction. So, the shape of short run average cost curve is u shape in nature u shape of alpha weight ok. Let us see the graphical presentation have a look over here what you find that ki at initial stage it is falling it means. Ki jaise hi aapne variable. कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना शुरू किया है यूनिट्स ऑफ आउटपुट से इट मीन दैट की कर्व इज फॉलिंग ओके नाउ इट आर इट्स मिनिमम लेवल सी व्हाई डू यू स्टडी दिस क्यों पढ़ रहे हो इसको यूशेप है तो है हमें क्या लेना देना नो no. हमें इसे लेना देना है बिकॉज कि ये जो लेवल है जो मिनिमम लेवल को अटेंड कर रहा है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द अलार्मिंग बेल फॉर द प्रोड्यूसर ऑन्टरप्रेन्योर दैट नाउ यू हैव मिनिमाइज्ड योर कॉस्ट इफ़ यू आर विलिंग टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट देन इन दैट सिचुएशन यू आर बाउंड टू मेक एक्सपेंडिचर फॉर द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट सो सी वॉट यू सी दैट कि इसको इस मिनिमम लेवल को अटेंड करने के बाद यानी कि यहां पर मैक्सिमम आउटपुट है हमारा ठीक है और एबीसी हमारी क्या है मिनिमम है ठीक इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट वॉट यू सी दै योर कॉस्ट हैज गॉन फॉर दिस यू फाइंड दिस क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन सो दैट इज वाई कि अब आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने वाला है एंड नाउ यू टेक डिसीजन व्हाट टू डू इट मींस कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो लॉस पे अपना बिजनेस करना नहीं चाहेगा और जैसे ही उसका एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगा वहां पर वो एक अलार्मिंग अलार्मिंग बेल होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कि अब इसके बाद आप यहां पे सतर्क हो जाएं और यहां से एक नए तरीके अपनाएं जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकें बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मनी इट मीन दैट कि आप खर्च जो कर रहे हो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इसका मतलब ये नहीं कि खर्च करने के बाद आप लॉस में जाओ तो दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कर भी डिफाइंड इन दैट वे कि इसकी स्टडी अगर हमारे पास हो अगर आप अपनी डेली लाइफ में बिजनेस करना शुरू कर दें तो आप क्या पाएंगे कि आप भी जो है डिसीजन लेने की पोजिशन में आ गए हैं ठीक है तो इस तरह से यह इसकी स्टडी जो है वो ज़रूरी है और इट इज़ यू शेप इन नेचर ठीक है अब आते हैं थोड़ा हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सी अब उसके बाद से एटीसी निकालना है हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट को हम यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे वहाँ भी आप पाएंगे कि सेम एडजस्टमेंट इज़ देयर इट मीन्स कई जैसे जैसे यूनिट आप आते जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे इसका भी शेप यू शेप होगा अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये गैप इतना क्यों है और ये गैप क्या इंडिकेट करता है ए और ए के इनिशियल स्टेज पर गैप क्या है क्या कहना चाहता है ये तो आपका मेरा जवाब होगा कि ये गैप जो है जो हमारे ए की वैल्यूज थी है ना ए एफ सी उसको शो करता है सी कि दोनों के बीच में ये गैप जो है वो कम होता जा रहा है मिनिमम लेवल एबीसी पहले अटेंड करता है और ए सी बाद में अटेंड करता है फिर ये गैप नैरोवर होते जाता है अब क्वेश्चन इज देयर कि क्या ए सी और ए बी सी आपस में मैच मिल जाएगा ज्वाइन हो सकता है आप जवाब दें नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है बिकॉज इट विल मेंटेनिंग द नीडल लाइक गैप बिटवीन दिस टू बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ए एफ सी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ओके क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये गैप भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ठीक है तो व्हाट वी सी दैट कि रिलेशनशिप बिटवीन ए टी सी एंड ए वी ए वी सी इश शोन इन दिस वे कि इनिशियल स्टेज दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा आफ्टर दैट जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ेगा दोनों की वैल्यू रिड्यूस होगी बोथ विल अटेंड द मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट

तो ऑब्वियस है ऑब्वियस बात है कि ये गैप ज्यादा होगा जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ हमने क्या देखा कि इनके बीच में जो है गैप नैरो होता चला गया मिनिमम लेवल को अटेंड किया ए पहले मिनिमम लेवल को अटेंड करेगा कॉस्ट के और ए बाद में करेगा आफ्टर दैट द गैप बिटवीन गैप बिटवीन दिस टू विल बी नैरोज वाट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ए टी सी AFC and A V C. Next to this C marginal cost Marginal cost is equal to टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन ठीक है कैसे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है मैंने पहले क्लास में भी चर्चा किया था कि मार्जिनल मींस एडिशनल एडिशन टू द टोटल ठीक है अब देखिए आप जब आप टी सी की चर्चा करें हम तो उसमें क्या पाएंगे उसमें क्या पाएंगे कि जैसे जैसे हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ता है टी सी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट इट मीन्स दैट कि एडिशनल यूनिट जो है वो उसमें बढ़ते जा रहा है तो एडिशन टू द टोटल दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन यानी कि एन एथ यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस एन माइनस वन एथ यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शेड्यूल यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एम सी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला अब हम हर तरह के कर्व के नेचर के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उन तीनों कर्व को इकट्ठा दिखा सकते हैं दैट इज एम सी ए सी एंड ए वी सी एम सी इज ऑल्सो यू शेप्ड ओके बिकॉज इट इज शोइंग द सेम टेंडेंसी वाट द ए सी इज और ए टी सी इज शोइंग